एक चित्रकार था जो बहुत अच्छे चित्र बनाता था। लोग उसकी चित्रकारी की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उनसे कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट की। चित्रकार इसके लिए तैयार हो गया। आखिर भगवान का काम जो था, पर उसने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा, मुझे योग्य पात्र चाहिए, अगर वो मिल जाए तो मैं आसानी से चित्र बना दूंगा। कृष्ण के चित्र के लिए एक योग्य नटखट बालक और कंस के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति ला कर दे, तब मैं चित्र बना कर दूंगा। कृष्ण मंदिर के भक्त एक बालक ले आए। बालक बहुत सुंदर था। चित्रकार ने उसे पसंद किया और उस बालक को सामने रख बाल कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र बनाया। अब बारी कंस की थी, पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता, वो चित्रकार को पसंद नहीं आता, और उसको वो भाव मिल भी नहीं रहे थे। वक्त गुजरता गया। आखिरकार थक हार कर सालों बाद वो अब जेल में चित्रकार को ले गए, जहाँ उम्र कैद काट रहे अपराधी थे। उन अपराधियों में से एक कुछ चित्रकार ने पसंद किया और उसे सामने रखकर उसने कंस का एक चित्र बनाया। कृष्ण और कंस की वो तस्वीर आज सालों के बाद पूर्ण हुई। कृष्ण मंदिर के भक्त तस्वीरें देखकर बहुत खुश हो गए। उस अपराधी ने भी वह तस्वीर देखने की इच्छा व्यक्त की। अपराधी ने जब वो तस्वीर देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। सभी ये देखकर चौंक गए कि आखिर इसे हुआ क्या। चित्रकार ने उससे इसका कारण बड़े प्यार से पूछा। तब वह अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बच्चा हूँ जिसे सालों पहले आपने बाल कृष्ण के चित्र के लिए पसंद किया था। मेरे कुकर्मों से आज मैं कंस बन गया। इस तस्वीर में मैं ही कृष्ण और मैं ही कंस हूँ। हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं।